क्लिफ, ये है हमारी डॉली और ये है क्लिफ। हरिओम दोस्तों, आज शिमला में मेरा चौथा दिन है। देखिए ये है डॉली और ये है मेरा कज़न। मित्तू ट्रक व्लॉग्स नाम से इसका चैनल है। कल सुबह 10 बजे निकले थे, शाम के 10 बज गए, लेकिन मीटिंग नहीं हुई डॉली की। ये मेल को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी डॉलू। आज जाके चौथे दिन डॉली की मीटिंग हुई और देखिए मेरी सीट पे बैठ गई है डॉली। चलो पीछे रुको 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 डॉली, अब ये नहीं जाएगी। बैठ जा ऊपर, बैठ गोदी में। अब ये पीछे नहीं जाएगी तो इसको यहीं बिठाना पड़ेगा। चलो आ खिड़की वाली साइड। यहाँ पे मेरे पापा ने बादाम रखे हुए थे, मुझे तीसरे दिन लगा पता कल की बादाम है। इसको देखो डॉलू। तो हम निकल चुके हैं यहाँ से घर के लिए। जो हस्की शिमला में रहते हैं वो तो जन्नत से कम नहीं है उनके लिए, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है और पहाड़ी के टॉप पे है शिमला, तो उनके लिए बहुत अच्छी जगह है शिमला। A few moments later, देखिए इस बंदे को, सॉरी लड़के को डॉली पसंद आ गई, टच करना चाहता था इसको ये। हमारी गाड़ी का एक फ़ायदा ये है कि ये न्यूट्रल भी चल पड़ती है 800। अभी न्यूट्रल ही चली है, बाकी रफ एंड टफ गाड़ी है। शिमला साइड तो अच्छी है ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है, गाड़ियाँ धीरे धीरे चलती हैं तो तेल भी ज़्यादा खाती हैं। One hour later. ये है दोस्तों हमारी डॉली और ये जो फीमेल है इसका नाम क्या है, सोफ़ी। ये 1.5 साल की है। ये वुल्फी है, डॉली और इसकी सेम एज है। बाकी ये ऑड आइज़ में है, ये ब्लू आइज़ में हमारी डॉली और ये ब्राउन आइज़ में। देखिए डॉलू, डॉली की अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग हुई है। इसने पहले बच्चे दिए, ऐसे 4 ऐसा बोल रहे हैं ये। डॉलू, डॉली की दो सहेलियों से मिलके भी हम आ गए। अब घर को जा रहे हैं, गांव के पास जहां तक सड़क है वहां पे मैंने डॉली को ड्रॉप कर दिया। मेरी सिस्टर ले गई उसको घर में। अब मैं जा रहा हूं मक्की काटा लाने के लिए घराट में, यहां से लगभग 6-7 किलोमीटर नीचे। ये देखिए ये हम खेतों में खुद लगाते हैं, तो अभी चलते हैं। घराट के पास मैं पहुँच गया हूँ। देखिए पीछे पानी आ रहा है, इन्होंने बोला कि परसों तक होंगे ये, तो मैं इनसे 2 किलो आज लेके जा रहा हूँ गुजारे लायक। ये लाया हूँ मैं, अभी अंदर छोड़ दूंगा। उन्होंने परसों के लिए आटे को इसलिए कहा था कि उन्होंने सोचा कि ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, लेकिन जब मैंने बैग दिखाया तो उन्होंने दे दिया आज ही। नाइट सूट लिया पंडित जी के लिए, तो अभी थोड़ा ही रहा घर का सफ़र हमारा। बहुत ही सुंदर पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया। सॉरी नीचे गिर गया, कहाँ जैसे गिरा। बाकी मंदिर का प्रांगण बहुत ही सुंदर है, देखिए हम भी चलते हैं, मज़ा आ गया मंदिर में घूम के, बहुत शांति मिलती है यहाँ पे आके। यहाँ पे क्या, किसी भी मंदिर में आप जाओगे अगर, तो यहाँ पे हमने लगाई है बाइक। यहाँ से व्यू देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, वहाँ पे खेत है लोगों के और ये सुंदर नगर शहर। यहाँ जैसे MLSM कॉलेज का ग्राउंड जहाँ से अभी हम होके आए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ से मैं आया मंडी होके, और देखिए साथ में ही नदी बह रही है। यहाँ से एक खड्ड इसमें मिली, देखिए सामने वाटर आ रहा है पहाड़ों से होके।
बाकी ये वाला रास्ता चला गया कुल्लू मनाली के लिए, फिर आगे लेह लद्दाख अटल टनल होके। रूम में अकेला था, गेड़ी मारते हुए आ गया, काफ़ी आगे तक चला गया था लेकिन वापस आ गया और वहाँ पे जाम लग गया है, शायद पत्थर गिर गया होगा बड़ा सा। आजकल बहुत सारी लैंडस्लाइड हो रही है, ये 4 लाइन का काम चला हुआ है कुल्लू मनाली हाईवे पे। देखिए इस साइड भी सड़क है लेकिन अभी बन रही है, तो इधर से ही आ और जा रही हैं गाड़ियाँ। तो मैं भी अभी इस GoPro को हेलमेट में लगाता हूँ, फिर चलते हैं यहाँ से वापस मंडी के लिए। अभी मैं पहुंच गया हूं अपने रूम में, ये वाला मैंने रूम लिया है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे मैं सोता हूं, ये मेरा बैग, थोड़े से कपड़े, 2 हेलमेट और थोड़ा सा सामान, बाकी ऐसा है। यहां से बाहर का व्यू दिखता है। 3000 में मुझे मिला रूम विद 2 टाइम खाना 15 दिनों के लिए। मीनवाइल चिपक गया ये। फाइनली मैंने निकाल दी पट्टी सारी। मैंने कहीं पढ़ा था फ्रांस कंट्री में एक भी मच्छर नहीं है और यहाँ इंडिया में देखो, कल रूम में काफ़ी मच्छर थे, फिर मैं ये ले आया कॉइल मच्छरों को भगाने के लिए। पूरी रात तसल्ली से नींद आई। तो अभी चलते हैं मार्केट साइड, दवाई लगवा देते हैं, बाकी पट्टी भी करवा देंगे उंगली में फिर से और कुछ खा भी लेंगे बाहर। Later. रात के 9:30 हो गए हैं और मैं आ गया हूँ मक्की खाने। देखिए यहाँ पे एक और मक्की बोला है हमने भाई को बनाने के लिए। बाकी पीछे देखिए मंडी जो शहर है उसका व्यू। हम ब्रिज पे खड़े हैं अभी बस स्टैंड के पास। रूम चेंज कर दिया मैंने आज। ये जो मेरे साथ मेरा क्लासमेट है देखिए, इसने एक रूम लिया शहर में ही, अब साथ में रहेंगे हम दोनों, क्योंकि मुझे बहुत दूर पड़ रहा था वो रूम। बाकी नज़दीक ही है तो हम पैदल ही आ गए मक्की खाने के लिए। देखिए थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें भी पड़ रही हैं, तो चलते हैं अब यहाँ से, फिर मिलते हैं आपसे रूम में। Few inches later. अपने नए रूम में मैं पहुँच गया हूँ और देखिए पट्टी मैंने फिर से करवा दी यहाँ पे। इन मकान मालिक ने हमें ऐसे दिए 2 फॉर्म, इसमें फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, फादर क्या करते हैं पता नहीं क्या क्या लिखा है, अपना फ़ोटो लगाने के लिए भी कहा है। हमने तो बस 15 दिन ही रहना है सिर्फ, मुझे पता नहीं था इतनी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है शहरों में। ये तो सो गया है, अभी मैं कर लेता हूँ वीडियो एडिट। कई दिनों से ब्लॉग नहीं आया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। हरिओम।